लंदन हो और पंजाबी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कोठे ते आ माहिया कोठे ते आ माहिया कोठे ते कोठे ते आ माहिया चन पावे चढ़े न चढ़े सानू तेरी ये लौ माहिया चन पावे चढ़े न चढ़े सानू तेरी ये लौ माहिया मैंने पूरे शो में गजल के शेर सुनाए और शायर कभी आंखों की बात करता है, कभी मुस्कुराहट की बात करता है, मगर पंजाबी शायर जो है वो मुर्गे की बात करता है। चिट्टा कुकड़ बने रे ते चिट्टा कुकड़ बने रे ते किरण जी दिस इज फॉर यू। चिट्टा कुकड़ बने रे ते माँ दिए लाड लिए दिल आ गया तेरे ते माँ दिए लाड लिए दिल आ गया तेरे ते आइए मैं आपको उर्दू के टप्पे सुनाता हूँ। ये मेरी अपनी पहचान है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। जुगनू के सितारा जुगनू के सितारा था जुगनू के सितारा तेरे बाम पे जो चमका वही नाम हमारा था। तेरे बाम पे जो चमका वही नाम हमारा था। दरियाओं के धारे दरियाओं के धारे हैं तुम मानो के ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। तुम मानो के ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। किसे नहीं दोहराते किसे इसे नहीं दोहराते इसे नहीं दोहराते इसे नहीं दोहराते जो लम्हे गुजर जाए वो मुड़ के नहीं आते। जो लम्हे गुजर जाए वो मुड़ के नहीं ये बंद मेरी तरफ से तमाम बीवियों के लिए ये एक एडवाइस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगी तो बहुत खुश रहेंगी। तकरार नहीं करते
तकरार नहीं करते, और जब साजन बात करे इनकार नहीं करते। जब साजन बात करे इनकार नहीं करते। दोस्तों, मैं अपने साथियों का तारुफ कराता चलूं। मेरे लेफ्ट पर हैं कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए रॉबिन कृष्ण, गिटार पर हैं सिंगल एंड रेडी टू मिंगल सिद्धार्थ। मैंने अनाउंस कर दिया है अब कुछ हो जाएगा। सिद्धार्थ सिंह एक्सट्रीम लेफ्ट पर बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। इनका एक बहुत ही फेमस बैंड है 515, बड़ा टाइट प्ले करते हैं ये लोग, और मुझे इन्होंने रियली इंस्पायर किया। मैं भी शायद हैट पहन के गजल गाऊंगा। हिनल पटानी, प्लीज अभी ध्यान। मेरे राइट पर मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है संतूर, बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन है किरण पाल सिंह जी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अब आइए, मैं एक्चुअली आज स्टेज पर पंजाब जमा हुआ है, एक पंजाब यहाँ है, एक पंजाब यहाँ है और एक पंजाब वहाँ है। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी दोस्ती को तकरीबन 24 साल हो गए और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बड़े ही हरदिल अजीज़ मंजीत सिंह साहब तबले पर,
ये टीम यहां खत्म नहीं होती। मैं जब हमेशा एंड की तरफ आता हूं बहुत इमोशनल हो जाता हूं, वो इसलिए कि जब मुझे आप सब इतना प्यार देते हैं तो मुझे अपने उस्ताद की याद आती है, उनकी दुआएं मेरे साथ काम करती हैं। और उनके साथ एक ऐसे शख्स ने काम किया, कई बरसों उनके साथ उनका साउंड किया, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे जितने भी यूके के टूर होते हैं उसमें वो मेरे साथ रहते हैं। साउंड पर राजा सैगल साहब हैं, बिहाइंड द सीन रहते हैं। मैं चाहूँगा राजा प्लीज़ स्टैंड अप एंड पीपल शुड लुक एट द मैजिशियन, प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। हमारी होस्ट जोनी जेनी नकवी साहिबा के लिए ज़ोरदार तालियां। और अंजी कंसारा जी, आपने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया, थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा इस शो को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया उसकी तारीफ करनी चाहिए हमें, ज्योति गोगाइता जी के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं और एक दो नाम मैं लेना चाहूँगा जल्दी से। There is a very beautiful project that I have been working on. It's called Ghazala. Few of you must have been aware of that. It's a beautiful combination of Ghazal and Welsh folk. And I'm very happy that my co-producer and his wonderful, beautiful wife, who looks after my marketing, is here, Dilwin and Tamsin Davis. Please, a big hand for them. Thank you, Dilwin, for coming all the way. Thank you, Tam. और हमारे बड़े ही ख़ास दोस्त, मेरी तस्वीरें जो मैं डालता हूँ फेसबुक पर या पब्लिसिटी में, पिछले 4 साल से मुझे क्लिक करते आ रहे हैं, अशोक पटेल साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। तुम्हें भूल न पाएंगे, तुम्हें भूल न पाएंगे, तुम्हें भूल न पाएंगे। जब याद करोगे तुम हम लौट के आएंगे। थैंक यू।